बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शो का सेट है इस टाइम एक क्रिकेट का मैदान बन गया, क्योंकि बहुत से नामी हरामी क्रिकेटर्स, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हों या डोमेस्टिक लेवल के हों, आज हमारे दरमियान है। मैं उनके इंट्रोडक्शन कराऊंगा एक बेक, और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे एक स्पेशल गेस्ट थे दो तीन दिन पहले, वो फिर से हमारे साथ हैं। वेरी रियली हैप्पी दैट ही इज विद अस, तौफीक उमर साहब, जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और इसके साथ अब्दुल रऊफ साहब, जो एक फास्ट बॉलर हैं और कहा जाता है कि डोमेस्टिक लेवल के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्हें हमारी टीम को रिप्रेजेंट किया है। वी आर ब्लेस्ड दैट ही इज हियर विद अस, हमसे क्रिकेटिंग बात भी करेंगे। जोरदार तालियां अब्दुल रऊफ साहब। एंड उसके साथ हमारे इमर्जिंग टैलेंट, जो हम बात करते रहते हैं यार पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ है, तो हमने सोचा कि डोमेस्टिक लेवल का जो टैलेंट है आज हम उसको प्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करें, और हमारे सामने वो मौजूद हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रजा एंड उस्मान गाइस, कम ऑन। एंड रजा, आई बिलीव यू आर अ बैटिंग ऑलराउंडर, एंड उस्मान आप जो है एक बैट्समैन है जी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, शुरू करूंगा कि डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म करने के बाद हर एक क्रिकेटर सोचता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, मगर वो जो स्ट्रगल है उसके बीच की, आपको क्या लगता है कि आप कितने करीब हैं उस स्ट्रगल के, कितनी जल्दी हम आपको इंटरनेशनल फॉर्मेट पे परफॉर्म करते हुए देखें? देखिए, नो डाउट जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल से पहले जी। और जैसे मैं भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए रेडी हूँ, और अपना बिल्कुल फोकस यही रखा हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है यही एक बेस होती है कि आपको एक प्लेयर बनाती है जी। तो उसमें मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये हमारी टीम के लिए परफॉर्म करें। एक बैट्समैन है और हमें एक बैट्समैन की जरूरत है, क्योंकि हमारी टीम अगर आजकल कुछ लैक करती है तो वो बैटिंग है। तो जोरदार तालियां इनके लिए, कम ऑन गाइस। थोड़ा सा सलमान आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मे बी वो इरेलेवेंट हो लेकिन मे बी वो ना हो, अगर आपने वो नोट किया हो, जो वेस्ट इंडीज की जो स्पोर्ट पे सॉन्ग है उसमें प्लेयर्स के अलावा बहुत से वेल नोन का भी नाम मेंशन है, तो ये क्या है, इस तरह क्यों है? आई थिंक ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज होल रेस, ऑब्वियसली ह्यूमन रेस है, तो उसमें हमें तो दीन ये सिखाता है कि काले और गोरे में कोई फर्क नहीं, किसी को किसी पे कोई बर्तरी हासिल नहीं है, और ऑब्वियसली ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि दुनिया में एक ऐसा टाइम भी गुजरा अपार्टाइड का, जिसमें जो सो अपने आप को वाइट पीपल कहते थे, उन्होंने अबैंडन किया बहुत अरसा एक अफ्रीकन्स को, और उनको जो है वो ब्लैक मशहूर किया। ऑब्वियसली ब्लैक इज नॉट समथिंग बैड, कई लोग कोई बुरी हरकत होती है तो काला रिबन बांध लेते हैं, किस दिन कोई हादसा हो जाए तो उसे ब्लैक डे कहते हैं। इट शुड नॉट बी कॉल्ड लाइक दैट, बिकॉज ये किसी को अल्लाह ने दिया है एक रंग, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यू नो इट कैन हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोगों को ये चीज अच्छी भी नहीं लगती होगी। ऑब्वियसली हमें खुश नसीब है कि हमारे मुल्क में हर रंग नस्ल का इंसान है, जो कि कोई किसी में कोई तफरका नहीं होता, लेकिन कुछ दुनिया के हिस्सों में ये होता था और पहले होता था, अल्लाह का शुक्र है कि अब ये चीज एग्जिस्ट इतनी ज्यादा नहीं करती। सो व्हाट ही हैज डन इन दैट सॉन्ग इज कि उसने अपनी पूरी जितने भी हीरोज गुजरे हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज के थे चाहे वो दूसरे मुल्कों के थे, उसने सबका नाम लेकर उनको हाईलाइट किया कि दिस इज आवर पीपल एंड व्हाट वी हैव डन फॉर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली उसमें नेल्सन मंडेला है, अगर वो जब प्रिजन से बाहर आए थे तो जब वो अगर चाहते तो बहुत सारे वाइट जो वहां पे फैमिलीज थी उनको मर्डर हो सकता था उनका, लेकिन उन्होंने आके सबको माफ किया, और ये सुन्नत रसूल भी है, तो ही गेन्ड दैट रेपुटेशन, और साउथ अफ्रीका को एक बहुत नीचे से उठा के बहुत बड़ा मुल्क उन्होंने बनाया, पीसफुल मुल्क बनाया। तो आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट जाता है, और इस लाइकवाइज उसने सरीना विलियम्स एंड जितने भी चैंपियंस गुजरे, मोहम्मद अली गुजरे, उसने सबका मेंशन किया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब कि हर कोई भी इंसान जो है उसको अपने मुल्क के लोग और अपने दीन मजहब के और एक रेस के लोग जो है आप हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो फिर ही दुनिया सबको अप्रिशिएट करेगी। सो आई थिंक उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो ये बाकी लोगों को भी ऐसा फॉलो करना चाहिए कि अपने काम में जो अपने लोग हैं उनको जरूर हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वेरी वेल सर। तौफीक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमने, मैं जिस तरह पहले भी बोला था कि आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस हमें आज तक याद है, चाहे आपकी सेंचुरीज हो या आपकी वो लॉन्ग लास्टिंग बैटिंग हो जिससे हमारी टीम जीती, तो एक प्लेयर हम देखते हैं जब अच्छा परफॉर्म करता है हमारे किसी भी फॉर्मेट में, एकदम से फिर वो प्लेयर हमें नजर नहीं आता, वो प्लेयर बैटिंग हमें बैटिंग लाइनअप में नजर नहीं आता, हमारी टीम में नजर नहीं आता, ऐसा क्यों है? आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के
बावजूद भी आप टीम में आज क्यों नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात नहीं, मैं एक जो ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है मैं उसकी बात करूंगा कि उसमें बहुत से फ्लॉज हैं। उसमें मतलब ये भी एक जो सबसे मैं समझता हूँ वो ये है कि किसी भी आप प्लेयर को जब चांस दें तो उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसके सर पे तलवार लटक रही है जी कि आपके पास एक मैच है या दो मैच है या एक सीरीज है। देखें आप जब पाकिस्तान या डोमेस्टिक खेल रहे हैं 10 साल 15 साल 7 साल 8 साल आप परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में तो आप ऊपर आते हैं, तो आप 7-8 साल की मेहनत को सिर्फ एक सीरीज पे उसको गेज नहीं कर सकते जी कि इसने इसमें परफॉर्म नहीं किया तो उसको साइड पे कर दें। आप उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है आपको, और आपको और जिस बंदे ने मतलब इतना परफॉर्म करके वो जो आया जब, तो आप उसको जब तक प्रॉपर चांस नहीं देंगे उसके साथ आप मतलब नाइंसाफी होगी उसके साथ भी। तो आई थिंक ये चीजें हमारे जो सिस्टम में थी पहले उससे हमारी क्रिकेट बहुत सफर की है, और मतलब ये एक वो भी रीजन है जिसकी वजह से आज हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है कि जो प्रॉपर चांस यहाँ पे मिलना चाहिए था प्लेयर्स को वो नहीं मिला। और कुछ प्लेयर्स के लिए ओपन चांस होता है, वो चाहे आप 10 मैचेस में नहीं करते तो वो खेलते रहते हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो है ये भी अब चीजें सामने आनी चाहिए, और जो भी सिलेक्टर्स हैं या जो भी क्रिकेट बोर्ड है या जो भी वहां पे जो बैठे हैं बंदे उनको ये चीजें देखनी होंगी कि कोई भी अगर प्लेयर है तो उसको प्रॉपर चांस दें, और उसको उसको मतलब उस जब वो अगर टीम से बाहर हो तो वो खुद सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने परफॉर्म नहीं किया इसलिए मैं बाहर हो गया हूं। ना कि मतलब ऐसे बहुत से प्लेयर्स आपको मिलेंगे वो आएंगे टीवी शोज पे बैठ के वो कहते होंगे जी मेरे साथ ज्यादती हो गई, मुझे चांस नहीं दिया गया, मुझे वो नहीं। ये चीज वो तभी आती है जब आप किसी को प्रॉपर चांस नहीं देते, ठीक है। तो ये चीज जो ये हमारे सिलेक्टर्स को हमारे क्रिकेट बोर्ड को इस चीज को ख्याल रखना चाहिए, और उसको जो भी प्लेयर हो उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए। एब्सोल्युटली। और सुरजील जो है सलमान भाई इज अ बिग एग्जांपल ऑफ दिस कि लोगों ने जब पीएसएल के बाद उनको सिलेक्ट किया टीम में तो लोग कह रहे थे कि यार ये बड़े फॉर्मेट का प्लेयर नहीं, इसको चांस ना दो। इनिशियल परफॉर्मेंसेस भी नहीं रही मगर एक चांस देता रहा जब कैप्टन और बोर्ड ने भी सपोर्ट किया एक प्लेयर को, तो फाइनली उनकी हमने परफॉर्मेंस देखी इसी वर्ल्ड कप के अंदर देखी, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। तो क्या लगता है कि हम अपने कुछ प्लेयर्स पे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है या हम उनकी एबिलिटीज को लैक करते हैं, हम समझते हैं कि वो इतने केपेबल नहीं है परफॉर्म करने के, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? देखिए इसमें दो कैटेगरीज होती हैं प्लेयर्स की, एक होता है जिसकी लाइकिंग ज्यादा होती है और एक होता है कि जिसकी लाइकिंग नहीं होती लेकिन वो शेयर बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज आपको मजबूर कर देती हैं कि आप उस प्लेयर को रखें जी। और ऐसे प्लेयर्स का क्योंकि उनको वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए आपको फोर्स करके फोर्स एडिशन होती है, सो एट टाइम्स पीपल वेट कि ये नाकाम हो और हम इसको बदल दें। और कुछ लोग होते हैं कि जो पसंदीदा इतने होते हैं कि वो कहते हैं कि चलो इसको और मौका दे दो जी। या उसकी कोई इफ देयर इज समथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ अ रीजन बिहाइंड द सीन्स तो गॉड नोज, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या बात है, लेकिन ये तो होता है और ये सब बताएंगे सब प्लेयर्स हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है और उसमें ब्लू आइड पीपल भी होते हैं और उसमें देयर पीपल आर नॉट दैट मच ब्लू आइड, तो फिर उसमें फेवरेटिज्म एट टाइम्स आ जाता है। और तौफीक भाई ने सही कहा कि इट शुड नॉट बी द केस। आप हर एक को आप एक सेट कर लेना कि अगर एक बंदे ने लगातार 2-3 सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो अगर उसको चांस देना है तो भाई एटलीस्ट 5-6 या 8 मैच देने हैं। अब अगर आप इस चीज को सबके लिए सेट कर लें तो फिर कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई इस बारे में ये नहीं कहेगा कि जी मुझे प्रॉपर चांस नहीं मिला, क्योंकि क्रिकेट वंस यू आर इन द फील्ड ऑन द पिच तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट में सबको पता चल जाता है, पूरी दुनिया देख रही होती है कि ये बंदा सही आया या नहीं आया। उसमें फिर कोई कहने वाला ये नहीं कह सकता कि जी ये बंदा ठीक नहीं है ये बंदा ठीक है, वो आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो खुद आपका जो है ना रिप्रेजेंट करती है कि हैव यू बीन टू दिस टीम इन अ प्रॉपर वे, आप इसमें सही तरीके से आए परफॉर्म करके आए हैं या फिर आपको फोर्स किया गया। इसमें इस तरह सलमान में एक चीज और भी है कि कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। हमारे पास्ट में ऐसी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जिस तरह जहां पे के जो आपके सपोज मैं किसी को लाइक करता हूँ तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उसको ऐसी कंडीशंस में या ऐसे नंबर पे वारी दूं या ऐसी कंडीशन अच्छी बैटिंग के लिए बेहतर हो थमास को दूं ताकि वो उसमें परफॉर्म करे, और जिसको मैं लाइक नहीं करता और जो मैं चाहता हूं कि यार ये बंदा टीम में ना रहे उसको मैं ऐसी कंडीशंस में जाके मैं वारी दूंगा या उसको बॉलिंग कराऊंगा जहां पे कि वो अंडर परफॉर्म हो। आई थिंक ये चीजें जो है ये जब तक होंगी पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इसी तरह सफर करते रहेंगे तो ये चीजें जो है ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए और इन चीजों पर भी वर्कआउट होना चाहिए। आपने सही बात की, लाइक और डिसलाइक की जो डिस्कशन है मुस्तफा इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे ऑनली ऑन पेट्स रिप्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।
represents extra cover क्योंकि कभी नहीं तो कभी नहीं absolutely और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शो का सेट इस टाइम एक क्रिकेट का मैदान बन गया क्योंकि बहुत से नामी हरामी क्रिकेटर्स चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हों या डोमेस्टिक लेवल के हों आज हमारे दरमियान है मैं उनके इंट्रोडक्शन कराऊंगा एक बेक और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे एक स्पेशल गेस्ट थे दो तीन दिन पहले वो फिर से हमारे साथ हैं वेरी रियली हैप्पी दैट ही इज विद अस तौफीक उमर साहब जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं थैंक यू वेरी मच और इसके साथ साथ अब्दुल रऊफ साहब जो एक फास्ट बॉलर हैं और कहा जाता है कि डोमेस्टिक लेवल के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्हें हमारी टीम को रिप्रेजेंट किया है वी आर ब्लेस्ड दैट ही इज हियर विद अस हमसे क्रिकेटिंग बात भी करेंगे जोरदार तालियां अब्दुल रऊफ साहब एंड उसके साथ हमारे इमर्जिंग टैलेंट जो हम बात करते रहते हैं कि यार पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ है तो हमने सोचा कि डोमेस्टिक लेवल का जो टैलेंट है आज हम उसको प्रेजेंट करें रिप्रेजेंट करें और हमारे सामने वो मौजूद हैं बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रजा एंड उस्मान गाइस कम ऑन एंड रजा आई बिलीव यू आर अ बैटिंग ऑलराउंडर एंड उस्मान आप जो है एक बैट्समैन है जी तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा शुरू करूंगा कि डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म करने के बाद हर एक क्रिकेटर सोचता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे मगर वो जो स्ट्रगल है उसके बीच की आपको क्या लगता है कि आप कितने करीब तो वो खुद सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने परफॉर्म नहीं किया इसलिए मैं बाहर हो गया हूँ ना कि मतलब ऐसे बहुत से प्लेयर्स आपको मिलेंगे वो आएंगे टीवी शोज पे बैठ के वो कहते होंगे जी मेरे साथ ज्यादती हो गई मुझे चांस नहीं दिया गया मुझे वो नहीं ये चीज वो तभी आती है जब आप किसी को प्रॉपर चांस नहीं देते ठीक है तो ये चीज जो है ये हमारे सिलेक्टर्स को हमारे क्रिकेट बोर्ड को इस चीज को ख्याल रखना चाहिए और उसको जो भी प्लेयर हो उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए एब्सोल्युटली और सरजील जो है सलमान भाई इज अ बिग एग्जांपल ऑफ दिस कि लोगों ने जब पीएसएल के बाद उनको सिलेक्ट किया टीम में तो लोग कह रहे थे यार ये बड़े फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है इसको चांस ना दो इनिशियल परफॉर्मेंस भी नहीं रही मगर एक चांस देता रहा जब कैप्टन बोर्ड ने भी सपोर्ट किया एक प्लेयर को तो फाइनली उनकी हमने परफॉर्मेंस देखी इसी वर्ल्ड कप के अंदर देखी उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली तो क्या लगता है कि हम अपने कुछ प्लेयर्स पे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है या हम उनकी एबिलिटीज को लैक करते हैं हम समझते हैं कि वो इतने केपेबल नहीं है परफॉर्म करने के व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन देखिए इसमें दो कैटेगरीज होती हैं प्लेयर्स की एक होता है जिसकी लाइकिंग ज्यादा होती है और एक होता है कि जिसकी लाइकिंग नहीं होती लेकिन वो शेयर बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज आपको मजबूर कर देती हैं कि आप उस प्लेयर को रखें और ऐसे प्लेयर्स का क्योंकि उनको वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए आपको फोर्स करके फोर्स एडिशन होती है सो एट टाइम्स पीपल वेट कि ये नाकाम हो और हम इसको बदल दें और कुछ लोग होते हैं कि जो पसंदीदा इतने होते हैं कि वो कहते हैं कि चलो इसको और मौका दे दो जी. या उसकी कोई इफ देयर इज समथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ अ रीजन बिहाइंड द सीन्स तो गॉड नोज वो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या बात है लेकिन ये तो होता है और ये सब बताएंगे सब प्लेयर्स हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है और उसमें ब्लू आइड पीपल भी होते हैं और उसमें ऑब्वियसली हमें खुश नसीब है कि हमारे मुल्क में हर रंग नस्ल का इंसान है जो कि कोई किसी में कोई तफरका नहीं होता लेकिन कुछ दुनिया के हिस्सों में ये होता था और पहले होता था अल्लाह का शुक्र है कि अब ये चीज एग्जिस्ट इतनी ज्यादा नहीं करती सो व्हाट ही हैज डन इन दैट सॉन्ग इज कि उसने अपनी पूरी जितने भी हीरोज गुजरे हैं चाहे वो वेस्ट इंडीज के थे चाहे वो दूसरे मुल्कों के थे उसने सबका नाम लेकर उनको हाईलाइट किया कि दिस इज आवर पीपल एंड व्हाट वी हैव डन फॉर द वर्ल्ड ऑब्वियसली उसमें नेल्सन मंडेला है अगर वो जब प्रिजन से बाहर आए थे तो जब वो अगर चाहते तो बहुत सारे वाइट जो वहां पे फैमिलीज थी उनको वो मर्डर हो सकता था उनका लेकिन उन्होंने आके सबको माफ किया और ये सुन्नत रसूल भी है तो ही गेन्ड दैट रेपुटेशन और साउथ अफ्रीका को एक बहुत नीचे से उठा के बहुत बड़ा मुल्क उन्होंने बनाया पीसफुल मुल्क बनाया तो आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट जाता है और इस लाइकवाइज उसने सरीना विलियम्स एंड जितने भी चैंपियंस गुजरे मोहम्मद अली गुजरे उसने सबका मेंशन किया आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब कि हर कोई भी इंसान जो है उसको अपने मुल्क के लोग और अपने दीन मजहब के और एक रेस के लोग जो है आप हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो फिर ही दुनिया सबको अप्रिशिएट करेगी सो आई थिंक उसने एक एग्जांपल सेट किया है तो ये बाकी लोगों को भी ऐसा फॉलो करना चाहिए कि अपने काम में जो अपने लोग हैं उनको जरूर हाईलाइट करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक वेरी वेल सेड तौफीक भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमने मैं जिस तरह पहले भी बोला था कि आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस हमें आज तक याद है चाहे आपकी सेंचुरीज हो या आपकी वो लॉन्ग लास्टिंग बैटिंग हो जिससे हमारी टीम जीती तो एक प्लेयर हम देखते हैं जब अच्छा परफॉर्म करता है हमारे किसी भी फॉर्मेट में एकदम से फिर वो प्लेयर हमें नहीं बैठे उस स्ट्रगल के कितनी जल्दी हम आपको इंटरनेशनल फॉर्मेट पे परफॉर्म करते हुए देखें देखिए नो डाउट जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल से पहले जी. और जैसे मैं भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए रेडी हूँ
और अपना बिल्कुल फोकस यही रखा हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है यही एक बेस होती है कि आपको एक प्लेयर बनाती है जी, तो उसमें मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये हमारी टीम के लिए परफॉर्म करें। एक बैट्समैन है और हमें एक बैट्समैन की जरूरत है क्योंकि हमारी टीम अगर आजकल कुछ लैक करती है तो वो बैटिंग है। तो जोरदार तालियां इनके लिए, कम ऑन गाइस। थोड़ा सा सलमान आपसे क्वेश्चन पूछूं, मे बी वो इरेलेवेंट हो लेकिन मे बी वो ना हो, अगर आपने वो नोट किया हो जो वेस्ट इंडीज की जो स्पोर्ट पे सॉन्ग है उसमें प्लेयर्स के अलावा बहुत से वेल नोन का भी नाम मेंशन है, तो ये क्या है, इस तरह क्यों है? आई थिंक ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज होल रेस, ऑब्वियसली ह्यूमन रेस है तो उसमें हमें तो दीन ये सिखाता है कि काले और गोरे में कोई फर्क नहीं, किसी को किसी पे कोई बर्तरी हासिल नहीं है और ऑब्वियसली ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि दुनिया में एक ऐसा टाइम भी गुजरा अपार्टाइड का जिसमें जो सो अपने आप को वाइट पीपल कहते थे उन्होंने अबैंडन किया बहुत अरसा एक अफ्रीकन्स को और उनको जो है वो ब्लैक मशहूर किया। ऑब्वियसली ब्लैक इज नॉट समथिंग बैड, कई लोग कोई बुरी हरकत होती है तो काला रिबन बांध लेते हैं, किस दिन कोई हादसा हो जाए तो उसे ब्लैक डे कहते हैं। इट शुड नॉट बी कॉल्ड लाइक दैट बिकॉज ये किसी को अल्लाह ने दिया है एक रंग, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यू नो इट कैन हर्ट लॉट ऑफ पीपल और बहुत सारे लोगों को ये चीज अच्छी भी नहीं लगती होगी, नजर नहीं आता वो प्लेयर बैटिंग, हमें बैटिंग लाइनअप में नजर नहीं आता, हमारी टीम में नजर नहीं आता, ऐसा क्यों है? आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी आप टीम में आज क्यों नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात नहीं, मैं एक जो ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है मैं उसकी बात करूंगा कि उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, उसमें मतलब ये भी एक जो सबसे मैं समझता हूँ वो ये है कि किसी भी आप प्लेयर को जब चांस दें तो उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि उसके सर पे तलवार लटक रही है जी कि आपके पास एक मैच है या दो मैच है या एक सीरीज है। देखिए आप जब पाकिस्तान या डोमेस्टिक खेल रहे हैं 10 साल 15 साल 7 साल 8 साल आप परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में तो आप ऊपर आते हैं, तो आप 7-8 साल की मेहनत को सिर्फ एक सीरीज पे उसको गेज नहीं कर सकते जी कि इसने इसमें परफॉर्म नहीं किया तो उसको साइड पे कर दें, आप उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है आपको और आपको और जिस बंदे ने मतलब इतना परफॉर्म करके वो जो आया है जब तो आप उसको जब तक प्रॉपर चांस नहीं देंगे उसके साथ आप मतलब नाइंसाफी होगी उसके साथ भी। तो आई थिंक ये चीजें हमारे जो सिस्टम में थी पहले उससे हमारी क्रिकेट बहुत सफर की है और मतलब ये वो भी रीजन है जिसकी वजह से आज हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है कि जो प्रॉपर चांस यहाँ पे मिलना चाहिए था प्लेयर्स को वो नहीं मिला और कुछ प्लेयर्स के लिए ओपन चांस होता है वो चाहे आप 10 मैचेस में नहीं करते तो वो खेलते रहते हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो है ये भी चीजें सामने आनी चाहिए और जो भी सिलेक्टर्स हैं या जो भी क्रिकेट बोर्ड है या जो भी वहां पे जो बैठे हैं बंदे उनको ये चीजें देखनी होंगी कि कोई भी अगर प्लेयर है तो उसको प्रॉपर चांस दें और उसको उसको मतलब उस जब वो अगर टीम से बाहर